शख्सियात सिक्स सेंस लेकर, और आज का मौजू है इल्मुल आदात। जनाब डॉक्टर शकूर साहब, ये नंबरों की दुनिया बहुत अजीब है साबिर रजा। इल्मुल आदात यानी इंग्लिश में इसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं, और यहां तक कहा जाता है कि ये जो नंबर है ये इंसानी जिंदगी पर अपने असरात जो है वो मुरतब करते हैं। ये भी कहा गया किताबों में कि निपोलियन अगर वाटरलू की जंग एक दिन के बाद लड़ता तो क्या जीत सकता था। 1880 में एक अंग्रेज शायर है, बड़ा मशहूर है, मैथ्यू आर्नल्ड, वो एक ईसाइये में था, किसी दावत में था, सर जॉन की एक दावत थी, और खाने की मेज पर 13 अफराद थे, 13 पीपल। अचानक एक मेजबान ने अजीबोगरीब बात कह दी कि जो सबसे पहले इस मेज से उठेगा वो एक साल के अंदर अंदर मर जाएगा। आर्नल्ड ने यह सुनकर एक तहकहा लगाया और इस बात को गलत साबित करने के लिए मेज से उठ गया, और उसके साथ दो और लोग भी उठ गए हंसते हुए कि ये कैसी बात है। बहरहाल थोड़े दिनों के बाद वो जो आर्नल्ड था, हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। और जो दो दूसरे लोग उठे थे उनमें से एक ने खुदकुशी की और दूसरा डूब कर मर गया। अब हो सकता है ये इत्तेफाक रहा हो, हजारों लोग हजारों बार एक मेज पर 13 की तादाद में बैठे हैं और जो सबसे पहले उठा वो कई लंबी उम्र उसकी भी हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि इत्तेफाक नाम की कोई शय नहीं है इस दुनिया में। जो भी है वो प्री प्लान्ड है, जब से दुनिया बनी है और आखिर दम तक जो होना है वो लिखा जा चुका है। इल्मुल आदात का जो इसमें है, ये कहा जाता है कि ये इसका जो माहिर है और जिसने हुरूफ को नंबरों में तब्दील किया सब था, वो है फीसागोरस, पाइथागोरस। ये तकरीबन 570 साल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले था। इसने ये भी कहा कि ये जो नंबर है ये ऑड नंबर और इवन नंबर, 1 से 9 तक, यानी जुफ्त आदाद और ताक आदाद, 1, 3, 5, 7, 9 ये ताक आदाद होंगे, 2, 4, 6, 8 ये जुफ्त आदाद होंगे, यानी कि इवन नंबर होंगे। और फिर यहां तक कहा गया कि जो ताक आदाद हैं वो मस्कुलीन हैं यानी मेल हैं, और जो जुफ्त हैं 2, 4, 6, 8 वो फीमेल हैं यानी फेमिनिन हैं। इस पर काफी काम किया पाकिस्तान में, जो इस पर सबसे ज्यादा काम किया वो अकमल शाह बुखारी साहब, उन्होंने इस पर किताबें लिखी और उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। और फिर कुछ जो थे इस इल्म के माहिर, उन्होंने आदाद जो थे 1 से 9 तक उनको सैयारों से मंसूब किया, जैसे 6 का आदत जो है वो जोहरा सैयारे से मंसूब है वीनस के साथ। कुछ ने इसको रंगों के साथ किया कि 6 का जो नंबर है वो रंग हरा रंग है उसका। तो ऐसे काफी इस पर काम हुआ। ये है नंबर 1 से 9 तक, जिसमें नंबर 1 जो है उसको क्रिएटिव नंबर कहा जाता है कि उसी से सब नंबर क्रिएट होते हैं ना। 1 को आप 2 में मिलाए 12 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया। जो 2 नंबर है 2 वो है डबल यानी ड्यूल कहलाता है, और ये फेमिनिन नंबर है यानी फीमेल है, क्योंकि ये जुफ्त आदाद में से आता है। नंबर 3 जो है वो मेल है क्योंकि वो ताक अदद है। तो 2 और 3 जब मिलेंगे यानी मेल और फीमेल, तो जो 5 नंबर आएगा जवाब में 2 जमा 3 वो शादी के लिए गिना जाता है इल्मुल आदाद में, क्योंकि ये 5 नंबर जो है ये जस्टिस के लिए भी गिना जाता है इंसाफ के हवाले से, क्योंकि ये 1 से 9 की गिनती में दरमियान में आता है, 1, 2, 3, 4 के बाद 5 आता है, फिर 4 नंबर और आते हैं। जो नंबर 10 है उसे पुरिसरार माना जाता है क्योंकि उसमें 0 लगा जब तो वो पुरिसरारियत में चला जाता है। और शुरू के जो 4 हिंसे हैं इंसाफ के अदद 5 से पहले 1, 2, 3, 4 उनको आप जमा कर दें चारों को तो अदद जो है वो 10 ही बनता है। ये इल्मुल आदाद में काफी काम हुआ। फीसागोरस के बाद कई लोगों ने इस पे काम किया, फिर इसे इन हुरूफ को ABCD जो थे उनको आदाद में तब्दील किया गया, यानी 1, 2, 3, 4 से लेके 9 तक को ABCDEFGHI, और फिर इसके बाद JKLMN के लिए उन्होंने नंबर लिए 10, 20, 30, 40, और उसके बाद लिए 100, 200, 300, 400। यही चीज जब हमारे अरबी आदाद में आई जिसे हम हुरूफ़ अबजद कहते हैं, तो वो अलिफ से लेके ये तक जो थे उनको फिर इसी तरह 1 से 9 तक, फिर इसके बाद 10 से लेके 90 तक, फिर 200 से लेके 900 तक, और ये पूरा सिलसिला चला अबजद का भी। इसमें इनका ये है कि ये जो 0 जो है ना ये बड़ा अहम है, ये पहले नहीं था अदद में,
ये बाद में आया है, जीरो। जीरो की बड़ी अहमियत है इसलिए कि अगर आप जीरो को एक से जमा करें तो भी जवाब एक ही आता है, जी जी और अगर आप जीरो माइनस वन करें तो भी जवाब एक ही आता है। लेकिन साइंस रियाजीदान परेशान उस वक्त हुए जब उन्होंने जीरो से किसी अदद ये हिंसे को तकसीम करने की कोशिश की, ये तकसीम नहीं हो सका। तो फिर आखिर में उन्होंने कह दिया कि अगर किसी भी अदद को आप जीरो से तकसीम करेंगे तो जो जवाब है उसको हम कहेंगे लामहदूद, अच्छा इन्फिनिटी। अच्छा अच्छा फिर ये जो हिंस ये जो नंबर है ये एक से लेके नौ तक और उनको मिला के जो नंबर बनते हैं, जैसे एक दो तीन मिलाए तो 123 हो गया, एक छह नौ मिलाए तो 159 हो गया। इसमें कुछ नंबर बड़े पुरिसरार माने जाते हैं और दो तकरीबन हजारों हजार साल से तो ऊपर हो गया रियाजीदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं मगर किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं है। अच्छा उनमें एक नंबर है 6174, 6174। एक नंबर है उसमें जो तीन नंबरों से बना है मिलके 495, यानी 495 जो है वो पुरिसरार नंबर माना जाता है। अब इसकी पुरिसरारियत की वजह क्या है? आपके पास कागज और पेन जी सर है ना? आप अब देखें उस पर, आप सबसे ऊपर तो लिख दें 574, 574 हाँ जी लिख दिया आपने, ठीक है ना? अच्छा अब आप ये देखें इसमें तीन है ना, फाइव है, सेवन है, फोर है जी ना? अब आप इन तीनों में से ये देखें कि सबसे बड़ा कौन सा है नंबर, सात तो लिखे सात पहले लिखें। इसके बाद क्या है? उसके बाद है पांच और फिर चार, तो पांच और चार तो लिखें 754 लिख दिया। अब इसके नीचे आपने लिखना है, इसी 754 के नीचे लिखना है यही नंबर जो 5574, ये 49, ये जो 574 है ना, ये हमने ऐसे ही ले लिया। आप कोई भी तीन नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना? ये हमने ले लिया ऐसे ही। अब 574 में सबसे छोटा नंबर क्या है? चार। चार हाँ तो आप लिखे चार, फिर इसके बाद है पांच, फिर सात, हाँ जी है ना? तो यानी 754 के नीचे 457 लिखा आपने। बिल्कुल सही इसको आप माइनस करें यानी फ्रीक करें तो जवाब आया 297। इनको -754 से 457 करें तो 297 लिख दें 297 ठीक है हाँ आपने, ठीक है? अच्छा अब जब आप आराम से करेंगे ना बैठ के तो यही आएगा जवाब, मैंने तो करके रखा ना। अब आप 297 को लेके चलें तो इसमें सबसे बड़ा है 9, फिर 7, फिर 2, तो आप लिखें 972। 972 इसके नीचे आप इसके छोटे से शुरू करें तो 279। 279 अब इसके लकीर डालें, नीचे आएगा इसका जवाब 693। 693 ठीक है ठीक है, अब आप इसमें बड़ा वाला लें 9, फिर 6, फिर 3, लिखें 963। 963 उसके नीचे अब लिखें छोटे से 369। 369 तो जवाब आया, इसका जवाब आया तफरीक करने से 594। 594 हाँ अब 594 को लेके चले तो सबसे बड़ा है 9, 954, यानी 954 लिख दिया आपने। 954 हाँ जी के नीचे आपने लिख दिया छोटे से 459। 459 ठीक हो गया। अब इसको आप तफरीक करें तो जवाब आया 495। अच्छा। पुरिसरार नंबर जो सबसे ऊपर लिखा था आपने, हाँ आप कोई भी तीन अदद ले लें, वन टू ऊपर हमने लिखा था 574 574 हमने ऐसी फर्ज करके एक लेके चुले थे हम ये। आप किसी भी कोई भी ऐसा नंबर लें जो तीन नंबरों से बनेगा, चाहे 574 लें, 123 लें, 345 लें, 8 9 10 लें, तीन अलग नंबर होने हैं, तीन अलग नंबर, ठीक है? और उसके बाद जब आप ये तरीके से इसको चलेंगे ना तो आखिर में 495 ही आएगा। अच्छा, हमेशा हमेशा 495 आएगा। ये मैं दिखा सकता हूँ? आप दिखाए? हाँ देखें, आपने 574 लिया, चलते गए, आखिर में 495 ही आएगा हमेशा। अच्छा आप अच्छा कोई भी तीन नंबर वाले ले,
तीनों अलग अलग नंबर हों और इस हिसाब से आप करें, तफरीक करें, एंड रिजल्ट 495 आएगा, ये पुरेसरार नंबर हो गया। चाहे आप किसी भी किस्म के तीन अदद ले लें, छह आठ नौ ले लें, नौ नौ छ पांच ले लें, कुछ भी ले लें आप, तो ये ऐसे दो तीन पुरेसरार नंबर हैं जिनके बारे में आज तक पता नहीं चला कि एंड रिजल्ट 495 ही क्यों आता है। जी। अच्छा, अब जो दो नंबर मिलके बनते हैं ना, जैसे 22, 25, 27, उनको अगर करेंगे तो नहीं आता। नहीं नहीं जाहिर है, वो तो नौ से जो नंबर जो सही है वो नंबर एक से नौ तक ही है ना, एक से नौ तक। तो ये 495 जो है ना, ये पुरुषरार नंबर में आता है। ये जो सुनने वाले हैं ये तजर्बा कर लें, और या चार नंबरों से ऐसा तजर्बा करें तो उसके अंदर जो चार नंबर का आदत है वो 6174 है। अगर उसको भी हम ऐसे ही चलेंगे ना 6174 को, तो एंड में 6174 ही आएगा। आपने उसकी प्रैक्टिस लिखी हुई है जो, तो उसको करूं भी नहीं, वो अब सुनने वाले करेंगे आराम से बैठ के। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो सिफर है ये सिफर जो है ना, ये ना हिंदसा है ना अदद है। देखें, जब नंबर एक होता है ना अकेला, या दो या तीन, तो वो हिंसा होता है। जब उसके साथ आप दूसरा नंबर मिलाते हैं उसके बराबर में, तो वो अदद बनता है। यानी एक जो है वो हिंसा है, लेकिन 12 अदद हो गया। ठीक हो गया। लेकिन सिफर जो है वो हिंसा भी है और अदद भी है, इसलिए कि अगर आप सिफर को एक से पहले लिखें तो वो 01 है ना, तो वो हिंसा है, क्योंकि जीरो का तो कोई मैटर नहीं भाई, 01 और 1 बात तो एक ही है। जी जी जी। लेकिन अगर आप 0 को 1 के बाद लिखेंगे तो अदद बन 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, अदद हो गया। यानी ये जो 0 है ना, उससे कीमत जो है ना, यानी उसकी उसको अगर आप हिंसे से पहले लगाएंगे ना, तो कीमत पे असर नहीं पड़ता। अब आप 01 लिखें, या आपने एक चीज बेचनी है 5 पाउंड की, आप लिख दें 5 पाउंड या 05 पाउंड, क्या फर्क है? कोई फर्क एक ही है ना, यानी कीमत पे असर अंदाज नहीं होता अगर पहले लिखा हो। लेकिन अगर आपने हिंसे के बाद लिखा है तो 50 हो जाएगा ना, है ना। अगर आप 5 लिखेंगे और 0, 50 हो गया। तो ये 0 जो है, इस्लाम आने से पहले, इस्लाम से पहले ये 0 को जो है ना लिया जाता था, इसका मतलब खाली, यानी खाली है, कुछ नहीं है, उसको 0 कहा जाता था। संस्कृत एक जबान है हिंदुस्तान की, जिसमें ये सिफर का लफ्ज आया है। हम जिसे उर्दू में सिफर कहते हैं, ये सिफर का लफ्ज संस्कृत में भी है, SIFR, उनकी अपनी जबान में लिखा हुआ है। ये फी बोनाक्स जो है इटली का एक रियाजी दान था, उसने 1260 में यूरोप में रियाजी का आशारी निजाम मुतारिफ कराया था। ठीक है। और इटली में इसको 0 को जफीरो कहा जाता था, फिर ये बिगड़ते बिगड़ते 0 हो गया। और 1740 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम से इसकी मुख्तलिफ अलामतें थी। हिंदुस्तान में ग्वालियर में एक मंदिर है जिसकी दीवारों पर 0 जो है वो लिखा हुआ मिला, तारीख, वो जो खुदाई करने वाले थे, ये जो तारीख दान थे उनको, ये वहां पे उनको नजर आया। मुसलमानों पर ये बड़ा एहसान है, और दुनिया के ऊपर भी, कि अल बैरूनी ने जब 1020 ईस्वी में, 1020 ईस्वी में हिंदुस्तान का सफर किया, तो उसने संस्कृत की वो किताबें जिनका अरबी में तर्जुमा हो चुका था, रियाजी की किताबें, वहां उसने जाके उनको पढ़ी, मुताला किया, और फिर उसने जो है इसको मुतारफ कराया पूरी दुनिया में। तो ये अल बैरूनी का बड़ा एहसान है। उसने तकरीबन 27 मकाले लिखे हैं लफ्ज 0 पर सिर्फ, अल बैरूनी। तो इल्मुल आदात की दुनिया में क्या है कि आजकल, वैसे एक बात तय शुदा है कि वो जो लिखते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786, शरई तौर पर तो ये नहीं हो, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, और ये लिखना मायूब है। मेरी जाती राय में मैं इसे कभी नहीं लिखता। जी जी, बिस्मिल्लाह लिखते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी खतूत गैर मुस्लिमों को भी लिखे, वो शुरू बिस्मिल्लाह से ही थे। हाँ। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो सर पे टोपी पहनते थे, उसके अंदर भी बिस्मिल्लाह कढ़ाई किया हुआ था। तो ये हमें तो पूरी आदत नहीं कि हमें वो जो है ना उस, यानी मैं उसके खिलाफ हूं जाती तौर पर 786 लिखने के। दूसरी बात ये कि जो अबजद के हवाले से जो काम किया उसमें, वो ये करते हैं कि जैसे आपका नाम है साबिर, मिसाल के तौर पर,
तो साबिर में अदद निकाले जाएंगे स्वाद, अलिफ, बे और रे। अब स्वाद का जो अदद है वो 90 है, अच्छा, अलिफ का 1 है, बे के 2 हैं और रे के 200 हैं। अब आप इसको अगर जमा करें 200, 2, 1 और 90, तो क्या निकलता है? मैं जमा करता हूं, ये हुआ 290, 91, 92, 93, 293 हुआ। ठीक है जी, 293 टोटल हुआ साबिर का। अच्छा, अबजद के हवाले से या इल्मुल आदाद में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो नाम जो पैदाइश के वक्त रखा गया था उसके आदाद निकाले जाएं, और कुछ ये कहते हैं कि नहीं, जो नाम पुकारा जा रहा है उसको लिया जाएगा, जो आम फहम है। हाँ, और मैं इस बात पे मुत्तफिक हूं कि जो नाम पुकारा जाएगा उसी को लिया जाए, क्योंकि ऐसा है कि साबिर रजा अगर किसी का नाम है सुल्तान, और अगर आप उसे सारी जिंदगी पप्पू पप्पू पुकारते हैं ना, तो वो पप्पू ही रहता है, जी जी सुल्तान नहीं बनता। तो नाम के असरात होते हैं, और हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, यानी जिनके मतलब भी अच्छे हों, और कुछ लोगों के नाम बदलवाए भी थे उन्होंने कि इसका मतलब जो है सही नहीं है। तो यहां तक तो बात ठीक, खैर, तो वो नाम का आदत। मगर ये जो हम अभी बात कर रहे हैं इसका ताल्लुक इस्लाम या शरीयत से नहीं है, ये एक इल्म है जो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सही। 293 बना आपका, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा जमा करेंगे 2, 9 और 3 को, जी जी, तो ये बनेगा 9 और 3 12 और 2 14। अब इसको फिर जमा करेंगे, वहां तक जमा करेंगे कि एक हिंसे में आ जाए, जी 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 जी, करते करते एक हिंसा बन जाए, यानी 1 से 9 तक बन जाए, तो 4 और 1 होगा 5, यानी आपका अदद हुआ 5। यानी इंसाफ, शादी, बल्कि शादियां, शादी अपना नाम तो मुझे दे रहे भाई। तो 5 नंबर की जो खसूसियात बताई गई है ना, वो ये बताई गई है कि 5 नंबर का आदमी जो है उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आते हैं लेकिन दूर भी हो जाते हैं। अच्छा, यानी वो अगर दिवालिया होगा भी तो दिवालिया रहेगा नहीं, जी जी जी, कारोबार करेगा तो तरक्की करेगा, और वो पैसे के मामले में खुद कफील ही रहेगा, चाहे थोड़े भी हो लेकिन रहेगा खुद कफील, जी जी, और उसका लक जो है वो कारोबार में बहुत अच्छा रहेगा हमेशा, जिस काम में भी हाथ डालेगा, जी जी जी। उसको परहेज बताया गया है 2 नामों से, अच्छा, कि इन 2 नामों वाले लोगों के साथ कारोबार न करना। दोस्ती ठीक है, अच्छा, दोस्ती यारी सब कुछ ठीक है, रिश्तेदारी भी ठीक है, लेकिन कारोबार ठीक नहीं। और वो 2 नाम जो बताए गए हैं, लेकिन ये बताएं शुक्र भाई, आप मेरा बता रहे हैं तो लोग मेरे पीछे ना हो जाए ना। अच्छा, नहीं, मैं तो आपका नाम मिसाल में लिया है, मिसाल में, हाँ। अच्छा, अब ये है कि कारोबारी में जिन 2 लोगों से बचना, वो है नाम खालिद और जावेद। अच्छा, ये इल्मुल आदाद जो है उनका, ये असल में क्या है साबिर, जब हम 100 किताबें पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हमारा दिमाग जो है ना इन किताबों में घुसा होता है, तो हमने जो पढ़ा, सीखा, देखा, जो तजर्बे हैं हमारे, वो बता रहे हैं लोगों को। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं उसको मान लो आप। अच्छा, अब सवाल ये था कि आपका नाम साबिर है तो 5 अदद बना, ऐसे कई और लोग भी हैं जिनके नाम का अदद 5 बनेगा। हाँ, तो इल्मुल आदाद वालों ने कहा कि उसका तरीका ये है कि उसमें ये देखा जाता है कि सबसे पहले टोटल में क्या नंबर था, तो आपका था 293, तो आपके अंदर क्वालिटीज देखी जाएंगी 2 की, 9 की और 3 की और फिर 5 की। अच्छा अच्छा, उनको मिला के शख्सियत का इहाता होगा। अब किसी और का नाम है जिसका आदत बनता है 122, तो वो भी 5 बनेगा, 2 जमा 2 4 और 1 5, ठीक है ना, लेकिन उसकी जो खासियतें होंगी वो होंगी 1 वाली 2 वाली, आपकी होंगी 2 वाली 9 वाली और 3 वाली, ऐसे होगा। अच्छा अच्छा, फिर कुछ लोग तारीख पैदाइश को भी करते हैं और उसको आदाद में डालते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी तारीख पैदाइश है 16 जनवरी 1968, तो इसको जोड़ेंगे मिसाल के तौर पर 9 और 1 10 18 और 6 24 और 25 30 32, ये भी 5 बन गया।
अगर जिसकी तारीख पैदाइश का अदद और नाम का अदद एक ही हो जाए वो डबल लकी शुमार होता है। अच्छा। फिर देखते हैं वो कि कौन से दिन पैदा हुआ था, तो अगर वो ये देखते हैं कि सैटरडे को पैदा हुआ था तो सैटरडे का जो दिन है वो जिस सैयारे से मंसूब है वो है उस सैयारे के हवाले से, वो कहते हैं कि ये जो है सैयारा इसके हवाले से इस आदमी की जिंदगी में तकलीफें आने का इम्कान ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा सुनने वाले यकीन कर लें, ये एक इल्म है जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं। और सैटरडे जो है उसको जोहल सैयारा जोहल उस पे ये गिना जाता है। और इसके लिए नंबर जो है इससे रिलेटेड वो है 8। तो उनका ये कहना है कि अगर आप ऐसे मिसाल के तौर पर इकबाल अदद है उसका 8, इकबाल के अगर आप अदद गिने अलिफ काफ बे और लाम तो ये 100, 1, 2 और 30 इनको जमा करें तो 133, 132 तो ये इकबाल का अदद बनेगा 8, लाम के 40 है, काफ लाम नहीं 30, बे के 2, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो उसके 8 अदद बनते हैं इकबाल के, क्योंकि उसमें 2 अलिफ है ना, तो 100, 2, 1 और 30 इनको टोटल करेंगे तो 8 बनेगा जब मुख्तसर करते जाएंगे। लेकिन अगर आप सलीम का करेंगे टोटल तो वो बनेगा 5। अच्छा, तो ये कहते हैं कि अगर आप एक कमरे एक बिल्ड एक बड़े हॉल में 100 ऐसे आदमी खड़े कर दें जिनका नाम इकबाल है तो उसमें से 80% जो है उनको मसाइल होंगे बहुत ज्यादा। अच्छा। 100 में से 80 को। लेकिन अगर आप एक कमरे में 100 सलीम नाम के लोग खड़े कर दें तो सिर्फ 20 ऐसे होंगे जिनको मसाइल ज्यादा होंगे। अच्छा, ये एक कुल लिया है उनका। मैं अब भी यही कह रहा हूं कि मेरी बात पे ये ना करें कि ये तय हो गया, ये कुल लिया है उनका। फिर वो उन्होंने कई ऐसी चीजें निकाली कि कुछ मखसूस नाम ऐसे हैं औरतों में कि उस नाम की औरतें आपको ज्यादातर बेवा मिलेंगी, वो मैं नाम नहीं बता रहा और ना मैं बताऊंगा। तो और कुछ ऐसे नाम है औरतों में कि जो मसाइल का शिकार मिलेगी, डिवोर्स हो गया, घर की गृहस्थी खराब हो गई, वो भी नाम मैं नहीं बता सकता कि कौन सा है वो नाम। तो ये नामों के जो असरात हैं वो उसको शख्सियत पर कैसे असरअंदाज होते हैं ये इसका ये इल्म, ये बड़ा वसी इल्म है। इसमें बड़ी किताबें लोगों ने लिखी, बड़ी तहकीकें हुई, मगर अभी तक लोग किसी खास पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं। हमारे मजहब की रूह से किसी किस्म के भी इल्म में मुस्तकबिल का हाल बताना मैं जायज नहीं समझता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम इससे शख्सियत को जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि उस शख्स उसकी शख्सियत क्या है, उसके चारों तरफ जो हालात जा रहे हैं वो क्या है और वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर करे कि हालात जो है वो सुधर जाएं। फिर उसका एक और कुल्लिया निकाला गया अबजद के हवाले से कि भाई अगर आपका नाम जो है वो मुख्तार है और आपको लगता है कि आप परेशानी में हैं तो आप मुख्तार जो है या आपका नाम जो है इकबाल है मिसाल के तौर पर और परेशानी में है तो आपने उसके अदद बनाए इकबाल के जो बने 101, 2, 3, 4, 134 बना टोटल, जिसको अगर और जमा करेंगे तो 4 और 3, 7 और 1, 8 बन गया। तो आप 134 है तो आप ये करेंगे कि अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उनमें आप ऐसा नाम ढूंढें जिसका टोटल 134 है और उसको 134 दफा रोज पढ़े। अच्छा। अब एक ने ये कहा कि अल्लाह ताला का नाम ऐसा मुझे नहीं मिल रहा जिसका अदद 134 हो, तो आप 2 नाम ढूंढे जिनका टोटल 134 हो जाए, या 3 ढूंढे या 4 ढूंढे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वो नाम। अच्छा। और अगर नहीं मिलता, बिफल से बहुत कम चांस ऐसे हैं, तो आप पूरा नाम इस्तेमाल करें मोहम्मद इकबाल या इकबाल खान, अब पूरे का करें और फिर अल्लाह का नाम उसका विरद उतनी तादाद में करें तस्बीह पे, तो मसाइल आपके दूर होते हैं। ये भी रूहानी दुनिया की तरफ से एक है। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, मगर ये एक इल्म है जो हमें जो मालूम है हमने लोगों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल सही।
ये इल्मुल आदाद की कहानी बड़ी तवील है, अगर आप बातें करते रहे तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। खवातीन और हजरात, इल्मुल आदाद, ये सारे लोगों ने जो मेहनतें की हैं, जो अपनी तरफ से उन्होंने तहकीक और अपनी जिंदगियां लगाई हैं, उसके बाद ये गुफ्तगू ये किताबों की शक्ल में या लोगों की शक्ल में, सीना ब सीना भी और किताबों की शक्ल में मिलती रहेंगी, लेकिन हर चीज का इल्म अल्लाह ही जानता है। बेशक और हमारा ईमान है कि अल्लाह का हुक्म ही होता है तो इंसान का वजूद इस दुनिया में आता है, और अल्लाह का ही हुक्म होगा जब वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आपके मकान का नंबर क्या है जहां आप रहते हैं? 24 24 24 है ना? हाँ, तो ये गिना जाता है मोहब्बत में, यानी वहां मोहब्बत रहेगी। 24 को है वो 6 बन जाता है, 4 और 2 6, और 6 का आदत जो है वो जुफ्त आदत है, फीमेल है, मोहब्बत के लिए गिना जाता है। रंग उसके साथ हरा मंसूब है और सैयारा वीनस है, अच्छा, तो यानी जिसे उर्दू में हम कहते हैं जोहरा। जी, तो ख्वातीन हजरात, फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।